हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ये है कि ऐसे टाइप के डिज़ाइन जो अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर का जो काम है वो क्या किसी और कोन से बनता है या फिर हम जो नॉर्मली कोन यूज़ करते हैं उससे बनता है। तो बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो उस सवाल के जवाब में मैं आज जो बोलना चाहती हूँ आप लोगों से वो ये है कि नहीं, हम लोग एक ही कोन यूज़ करते हैं, हम दूसरा कोई कोन यूज़ नहीं करते, या हम डबल कोन मतलब एक ब्लैक और एक नॉर्मल कोन ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते, एक ही कोन से ये सारा काम होता है। और आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसे होता है। पहले तो आप जान लीजिए कि ऐसा काम करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, एक कि आपका प्रेशर ठीक होना चाहिए और दूसरा आपका लेआउट ठीक होना चाहिए। और पहले हम लोगों को लेआउट बना लेना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मैंने जैसे पीकॉक का लेआउट पहले बना लिया और उसके अंदर फिलिंग एलिमेंट से मैं पूरा जो फेदर है इसका मैं वो भरूंगी। तो अब फेदर को फील करने के लिए हमको बहुत ही हल्के हाथ के प्रेशर से छोटी छोटी इंटीग्रेट वर्क करना पड़ेगा, और छोटी इंटीग्रेट वर्क करने के बाद हमको वही फेदर में फिर से डबल लाइन देना होगा, जिससे हमको आसानी होता है एक पूरे डिज़ाइन को हाईलाइट करने में। मेन अगर हम लोग नॉर्मली ऐसा फील करके इसको छोड़ सकते हैं, मगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन रहता है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है। तो हमको क्या करना है, जो फिलर एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस फिलर एलिमेंट को भरने के बाद एक और बार हमको एक बोल्ट लाइन यूज़ करना है। इससे आपका डिज़ाइन ना केवल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होता है, उससे भी बड़ी बात ये जो डिज़ाइन है ये एक अजीब तरीके से ये हर अंदर के डिज़ाइन को भी हाईलाइट कर देता है। तो ऐसे डिज़ाइन जो आप लोगों को लगते हैं कि दोनों कलर से बनाया गया है, ये सच बात नहीं है। हम नॉर्मली जैसे डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही डिज़ाइन बनता है। और सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि आप जितना प्रेशर कम रखेंगे आपका डिज़ाइन उतना ही अच्छा रहेगा। इंटीग्रेट डिज़ाइन करना हो तो प्रेशर कम करके फिलर एलिमेंट्स दीजिए, तो देखिए आपका काम बहुत ही सुंदर होगा। और ज़रूर हाईलाइट कीजिए बोल्ड लाइन के साथ, खत्म वो जो इंटीग्रेट डिज़ाइन है उस पर अगर आप हाईलाइट करते हैं तो आपका जो काम है वो पहला तो हाईलाइट हो रहा है, दूसरा वो नीट एंड क्लीन हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। इससे आपके जो परफेक्शन है वो भी और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आप दो जो कलर आप लोग देखते हैं वो कलर ऐसे ही आते हैं। अंदर के काम को बहुत छोटा और बहुत ही इंटीग्रेट रखिए, और बाहर का जो बोल फ्रंट लाइन होता है उसको अंदर के फिलिंग एलिमेंट्स देने के बाद उसको दोबारा से बोल्ड कर दीजिए। तो ऐसे एक डिज़ाइन पूरा जो होता है वो भी हाईलाइट होता है, और अंदर के जो काम होते हैं वो भी हाईलाइटेड होता है। तो यही सीक्रेट है डबल कलर जो हमको दिखते हैं उसका। इसमें कोई परेशानी बा बहुत ज़्यादा जो तामझाम होता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं आती है यहाँ पे।